अभी हम बनाएंगे चिकन रोगन, जिसके लिए ये जार में 4-5 इलायची, और इस इलायची पे डालेंगे हम ये लाल लाल वाली शिमला मिर्च, ये लाल शिमला मिर्च इस तरह से डाल देंगे काट के पीस बना के, इस तरह से लाल शिमला मिर्च इसके अंदर डाल दिया हमने, और इसमें डालेंगे हम ये दही 1 चम्मच, और इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। चिकन रोगन बनाने के लिए कढ़ाई में डालेंगे हम तेल, ये तेल डालेंगे और तेल को गरम कर लेंगे। गरम तेल में हम डालेंगे ये जीरा डाल लेंगे, जीरा को पका लेंगे, और इसमें डालेंगे ये लाल हरी मिर्च के कटा हुआ हरी मिर्च, इसमें डालेंगे हम प्याज, ये कटी हुई लंबा लंबा प्याज के अंदर, प्याज को हम फ्राई कर लेंगे, और ये प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, इसको और चिकन के साथ फ्राई करेंगे, और इसमें डालेंगे 1/2 किलो चिकन, 1/2 किलो चिकन प्याज के अंदर, और इसको प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और प्याज स्लो करके इसको ढक के 10 मिनट तक पकाएंगे, बीच में चलाते रहेंगे, और चिकन रोगन के लिए ये ढक्कन हम हटा लेंगे, और इसमें डालेंगे आप लाल मिर्च पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, और इसमें गरम मसाला पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसको ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए, और 2-3 मिनट बाद ये ढक्कन हटा लेंगे, चिकन को हम चला लेंगे, और इसमें डालेंगे नमक, नमक डाल देंगे इसके अंदर, नमक को इस चिकन में मिक्स कर लेंगे, और इसको फिर 5 मिनट के लिए ढक के पकने देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे, ये चिकन हमारा 60% पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये मसाला जो हमने पहले पीसा था, शिमला मिर्च और दही का, इसके अंदर डाल देंगे तरह से, और इसको मिक्स कर देंगे, चिकन में इस तरह से मिक्स कर देंगे, और इसको फिर 5 मिनट के लिए ढक देंगे, और ये 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेंगे, और इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया काफ़ी सारा, ये धनिया पत्ता कटी हुई काफ़ी सारा, इस धनिया पत्ता को मिक्स कर लेंगे चिकन रोगन में, तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसको ढक देंगे 5 मिनट बाद, ढक्कन हटा लेंगे, इसमें डालेंगे बटर का पीस, ये बटर का पीस, और इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे चिकन के साथ, और गैस करेंगे बंद, और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से,
और ये तैयार है हमारा चिकन रोगन।